नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। कई बड़े चेहरों की लगातार जीत होती चली जा रही है और जो हाई प्रोफाइल सीट्स हैं, जो हॉट सीट्स हैं, हम लगातार उनके नतीजे आपको बता रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ ही देर पहले आपको बताया था कि अपनी सीट से तेज प्रताप यादव जीत उन्होंने दर्ज कर दी है, उन्होंने हरा दिया है राजकुमार राय को। अब यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा वाले, उन्होंने जीत दर्ज कर दी है अपनी सीट से। इमामगंज से वो लड़ रहे हैं जीतन राम मांझी, और उन्होंने उदय नारायण चौधरी जो कि आरजेडी के कैंडिडेट थे उन्हें 16,034 वोटों से हरा दिया है। पिछली बार जीतन राम मांझी इसी सीट से लगभग 29,000 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार वो जो वोट का मार्जिन है ना वो कम हो गया है, वो जो जीत का मार्जिन है वो कम हो गया है। पिछली बार जीते थे 29,000 वोटों से, अब की बार जीते हैं 16,000 वोटों से। लेकिन जीत जीत होती है, चाहे एक वोट से हो चाहे 16,000 वोटों से। अच्छी जीत है जीतन राम मांझी के लिए। कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो उनकी पार्टी है हम, उसके लिए ये अच्छी खबर है। और जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे ही रहे हैं, और ऐसे ही अपडेट इनके बारे में थी, जीतन राम मांझी के बारे में। इमामगंज जो कि 227 नंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है बिहार में, उससे हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने जीत दर्ज कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस वीडियो को देखने।